नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आलासोपारा कैपिटल मॉल के चेंजिंग रूम में कपड़े बदलती युवती का अश्लील फोटो व वीडियो बना युवती को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने वाले युवक को आगरी सेना महिला पदाधिकारियों ने सिखाया सबक। आचोले पुलिस में दर्ज करवाई FIR। दोस्तों, महाराष्ट्र की मुंबई सिटी एक समय में महिलाओं के लिए सेफ सिटी मानी जाती थी, लेकिन अब मुंबई में महिलाओं के साथ अपराध और जिनमें भी बलात्कार और ब्लैकमेलिंग करके जबरदस्ती से शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने की कई मामले आए दिन सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई से सटे नालासोपारा के आचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत कैपिटल मॉल की एक शॉप में काम करने वाली युवती को उसी मॉल में सुपरवाइजर का काम कर रहे युवक द्वारा युवती के कपड़े बदलने का अश्लील फोटो व वीडियो शूट करते हुए उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए युवती के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। युवती द्वारा इस घटना की जानकारी आगरी सेना को दिए जाने के बाद आगरी सेना की महिला पदाधिकारियों ने कैपिटल मॉल जाकर आरोपी युवक को पकड़कर उसकी धुनाई की एवं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दरअसल पूरी घटना कुछ ऐसी है कि पीड़िता युवती कुछ ही समय पहले कैपिटल मॉल के एक शॉप में काम पर लगी थी। हर दिन काम पर आने जाने के दौरान मॉल में सुपरवाइजर का काम करते आरोपी युवक से युवती की जान पहचान हुई और आरोपी काम का बहाना कर युवती से फोन पर बातचीत करने लगा। कुछ समय पश्चात आरोपी ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तब पीड़िता ने यह कहकर कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करूंगी इनकार कर दिया, तो आरोपी युवक ने चुपके से मॉल की शॉप के चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय पीड़ित युवती का अश्लील फोटो और वीडियो निकाल लिया और पीड़ित को दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। युवती को एक लॉज में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उस समय भी युवती की तस्वीर उतारी और समय समय पर युवती के साथ घिनौनी वारदात अंजाम देता रहा। आखिरकार परेशान होकर युवती ने मॉल में से यह सोचकर काम छोड़ा कि उस आरोपी युवक से अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन आरोपी युवक अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाला था। उसने युवती को लगातार फोन कर परेशान करने की कोशिश की, तब युवती ने आरोपी के फोन का जवाब ही नहीं दिया। इस पर आरोपी ने युवती के बॉयफ्रेंड को युवती के सभी अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर युवती की बदनामी कर दी। बाद में युवती के बॉयफ्रेंड ने युवती को इसकी खबर की, तब युवती ने विरार पुलिस को शिकायत की, लेकिन विरार पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद युवती ने आगरी सेना से मदद मांगी और आगरी सेना महिला अकाड़ी की पदाधिकारियों ने कैपिटल मॉल जाकर आरोपी युवक को सबक सिखाया एवं आचोले पुलिस स्टेशन में बलात्कार व ITI एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करवाया। वीडियो में आगे देखिए, आगरी सेना पदाधिकारी कैपिटल मॉल पहुंचे तब हुआ पूरा घटनाक्रम। अभी के लिए इतना ही। खबर के बारे में अपनी राय कमेंट कीजिए, एक पीड़ित को न्याय दिलाने वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मुझे हाँ। सर, मैं आपके लिए आपके हित में बात कर रहा हूँ। आपके लिए हमने कायदे से हिसाब से पूरा काम उधर लगा आ रहा है। पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है। जो किया ये गलत नहीं है। चार महीने से मेरी लड़की को तकलीफ दे रहा है। अरे बात हो नहीं, कैमरा के सामने मैं पहला मारता था। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कितना किया इसने? अरे तुझे आई बहन ना है का खाली घेऊन चला, खाली घेऊन चला, इकडे इकडे अडचण होते, नीचे लेके जा। चलो चलो पोलीस स्टेशनला आपण जाऊ। चला वाजव त्याला भेंचो, पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन चला आपण जाऊ। वाजव त्याला भेंचो, आपण घेऊन जाऊ त्याला। चल पोलीस स्टेशन मध्ये बाहेर भेंचो। खाली घे।
घेऊन चला त्या चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।